पढ़ते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी में मैं दो तीन फार्मूला लिख देता हूं। इसके बाद इसमें आपको तीन ही चीज जानना है। क्या जानना है? मोड, मीन, मीडियन। इसको कहते हैं बहुलक, बहुलक। इसको कहते हैं माध्य और इसको कहते हैं माध्यिका। और पिछली बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया था, ठीक। तो हमको इस चैप्टर में यही तीन चीज जानना है, मोड, मीन, मीडियन, या मीन, मीडियन, मोड। क्रम कुछ भी हो, हमको यही तीन चीज जानना है, ठीक। तो देखिए बहुलक क्या होता है, संख्या लिखी गई हो, हाँ, जैसे कहा जाए 5, 6, 7, फिर 5, 4, 5, 6, 5, और कहा जाए बहुलक बताइए, तो जो अधिक बार आया है वही क्या होगा? बहुलक। अब देखिए माध्य क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, मैं एक ही क्वेश्चन से सारा करा दे रहा हूं कि दिया गया है कि दी गई संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए, मध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक। अब देखिए बहुलक आप लोग जान गए, जिसकी आवृत्ति अधिक बार हो या जो बार बार आया हो या जो सबसे अधिक बार आया हो वो क्या कहलाएगा? बहुलक। चलिए बहुलक क्लियर हुआ। इसके बाद हम आते हैं माध्य। तो माध्य आप लोग पढ़े हैं, तो आप लोग एक चैप्टर पढ़े हैं औसत, सेम वही कंडीशन है, सभी पदों को जोड़ के पदों की संख्या कर देंगे तो क्या आ जाएगा? माध्य। हम कहेंगे माध्य बराबर पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब देखिए इसमें क्या है, ये बहुलक क्लियर हुआ था कि नहीं? तो बहुलक क्या होगा इसका? 5। बहुलक हो गया 5। अब देखिए माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, पदों का योग मतलब 5, 6, 7, 5, 4, 5, 6, 5, यही है जो भी है। और कुल कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बटे 8 कर दिया पदों की संख्या। अब देखिए ऐड करने पर कितना आएगा? 43। सही है, ये 43/8, इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा? 5.375, ये इसका माध्य है, ठीक। अब देखिए कोई भी संख्या है, माध्य पूछेगा आप लोग निकालेंगे ना, जोड़ के जितनी संख्या है भाग दे दिया, माध्य आ गया। अब आगे हम जानेंगे माध्यिका क्या है। सर इसमें आरोही और अवरोही क्रम का देखिए। बता रहा हूं साहब, साफ कर दें इसको ना। आगे हमको जानना है माध्यिका। माध्यिका यानी मीडियन। देखिए माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले जो संख्याएं दी गई हैं इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। किस क्रम में? आरोही क्रम में, सबसे पहले आरोही क्रम में। चलिए ठीक है, हम संख्याओं को आरोही क्रम में लिख देते हैं। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, सबसे छोटी उससे बड़ी, उससे बड़ी उससे बड़ी, ठीक है। सबसे छोटी क्या है? 4। इसके बाद 5 कितनी बार है? 4 बार है, ठीक। इसके बाद 6। इसके बाद 2 बार है, इसके बाद 7। आरोही क्रम में लिख दिया। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने क्या किया कि जो संख्याएं दी गई हैं उसको आरोही क्रम में लिख दिया। आरोही क्रम में लिखने के बाद
हम देख लेंगे कुल कितनी संख्याएं हैं, यानी n। n कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। n कितना है? 8। ध्यान दीजिएगा, अगर n 8 है तो चाहे n कुछ भी हो, सबसे पहले हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? n बाई 2 करेंगे, यानी 8/2। n बाई 2 मतलब 8/2, यानी 4। ठीक, इसमें दो कंडीशन है, सम है। देखिए n क्या है? सम है। विषम वाला भी बताते हैं। अब देखिए सम है तो चाहे सम हो चाहे विषम हो, सबसे पहला काम है कि हम उसमें 2 से भाग लगा देंगे, और यहां से देखेंगे चौथा क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब चौथे के पास जाएंगे, अगर ये सम है, अगर ये सम है तो चौथे के बाद अगले को ले लेंगे, चौथा पद प्लस पांचवा पद। अब कब? जब ये सम होगा, तो ये हम ले लिया 5 + 5, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिया, तो 10/5, 2 सारी आएगा कितना? 5। इसका माध्यिका क्या हो जाएगा? 5। क्या किया? सबसे पहले आरोही क्रम में लिख दिया और देख लिया कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 8। इसके बाद 2 से भाग दे दिया, जो भी आएगा ठीक है। उसके पहले देखेंगे कि ये सम है कि विषम। अगर सम है, भाग देने के बाद जो संख्या आया है उसके पास पहुंचेंगे, चौथे के पास पहुंचे, इसके बाद अगली संख्या लेके जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, जो आएगा वही इसका क्या कहलाएगा? दोनों जोड़ा जाएगा। हाँ, चौथा पांचवा, देखिए चौथा था ये, पांचवा, चौथा पांचवा दोनों जोड़ के हम 2 से भाग दे दिया, जो आया सो आंसर आ गया। लेकिन अगर यही विषम होता, जैसे ये उतार लिए ना, उतारिए, क्लियर है? अगर मान लीजिए बाती साहब, अगर हम इसी में कुछ और बढ़ा देते, मान लिया कि मैंने इसको 9 कर दिया, अब काउंट किया, यन बराबर कितना आया? 9। ठीक, 2 से भाग दिया, 9/2, क्या आया? 9/2, 4.5, यानी 4 के बाद अगला पद। तो याद रखिएगा, पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है, हम चौथे के पास पहुंचे, 1, 2, 3, 4, अब ये 4 पॉइंट है, तो 4 पॉइंट जब भी आ जाए, कुछ भी पॉइंट आ जाए, अगला पद ले लेंगे चौथे के बाद, मतलब इसको हम कह देंगे कि पांचवा पद। चौथे के बाद क्या आएगा? पांचवा पद। अगर ये पॉइंट में आता है, याद रखिएगा, अगर n बराबर विषम है तो हमेशा पॉइंट में ही आएगा, हमेशा पॉइंट में ही आएगा। और यहाँ जो है, जो भी आएगा 4.5 पॉइंट, जो भी आएगा, हम उसके बाद वाला टर्म ले लेंगे, वही क्या हो जाएगा? माध्यिका। तो यहाँ पांचवा क्या है? 5। तो माध्यिका क्या हो जाएगी? 5। हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन वही सम विषम वाला मामला दिक्कत कर जाता है। क्लियर है? ये बात क्लियर हुई कि नहीं? अब आपको मैं 3 फार्मूला बताऊंगा, उस 3 फार्मूले को याद रखना, एक फार्मूले पर मैं एक एक क्वेश्चन कराता जाऊंगा, ठीक? लिखिएगा एक फार्मूला, लिखिएगा मोड बराबर, हाँ जो भी है, ठीक, मोड बराबर क्या? मोड मतलब बहुलक, और मीडियन माध्यिका, माध्यिका, और मीन
माध्य। और ये आपको लिखवा दिया हूं पहले ही, एक बार और लिख देता हूं, ये फार्मूला है। अब देखिए इसमें कितने वेरिएबल हैं, तीन। तीन में से कोई दो देगा तीसरा पूछेगा, कोई दो देगा तीसरा पूछेगा। जैसे क्वेश्चन, जैसे कह दे कि मीडियन 12 है, मीडियन 12 है और मीन 8 है, मीन 8 है, तो मोड बताइए, बहुलक बताइए। अब इसी फार्मूले में रख देंगे, यहां मोड बराबर हमको फार्मूला पता है, मोड बराबर 3 मीडियन, 3 मीडियन कितना है 12 और माइनस 2 मोड, सॉरी 2 मीन, तो मीन कितना है 8, ये 12 तिया 36 से 16 गया 20, तो मोड क्या आएगा 20। इसको याद रखना है फार्मूला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरा फार्मूला लिखिएगा, उतार लिए हैं, लिखिएगा मोड इज इक्वल टू मीन माइनस 3 मीन माइनस मीडियन। माध्य को माध्य मान को अभी बता रहा हूँ, वही बीच वाला माध्यिका शायद, हाँ माध्यिका, ठीक। हाँ अब देखिए ये फार्मूला कब लगाएंगे, सुनिए, ये फार्मूला तब लगाएंगे जब कहेगा मीन और मीडियन में अंतर कुछ दिया हो। क्या दिया हो? मीन और मीडियन में, डायरेक्ट मीन और मीडियन ना दिया हो, अंतर दिया हो। हम चाहते तो पहले वाले फार्मूले से लगा सकते हैं, उससे रिलेट करेंगे आएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा, हम इसी को याद रखेंगे। ये दूसरा फार्मूला है, इस पर क्वेश्चन क्या है, जैसे देखिए कह दे कि मीन हमें निकालना है, क्या निकालना है, मीन निकालना है, और हमें दिया है मोड 6, मोड दिया है 6, और मीन और मीडियन का डिफरेंस ये दिया है हमको 12, ये दिया हमको 12, तो मीन निकालिए। हाँ मीन निकलना है, जो भी आएगा, शायद सही बता रहे हो, सही बता रहे हो शायद। देखिए हमको मीन निकालना है, तो मीन को छोड़ देते हैं, मोड दिया है 6, तो मोड हो गया 6, और मीन निकालना ही है, मीन बराबर सॉरी माइनस 3, और मीन और मीडियन में जो डिफरेंस दिया है कितना 12, ये 6 और ये माइनस में इधर आएगा, और 12 तिया 36 बराबर मीन, तो हम कह सकते हैं कि मीन बराबर 42, मीन बराबर 42। अगला क्वेश्चन लिखिएगा या फार्मूला लिखिएगा, मिटा दें, लिखिएगा मोड इज इक्वल टू मीडियन माइनस 2/3 और ये है मीन डिफरेंस मोड।
ये तब प्रयोग करेंगे जब मीन और मोड में अंतर दिया हो। ठीक, क्वेश्चन लिखिएगा। जैसे क्वेश्चन क्या है, कहे मीन और मोड में डिफरेंस 18 का है। डिफरेंस कितने का है? 18 का, और मोड दिया हो 13, और हमसे मीडियन पूछ ले। बताइए क्या आएगा, जो भी आएगा। हाँ, उस टाइम ये फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, तब क्या? अभी ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। हाँ चलिए ठीक है। यहाँ देखिए मोड दिया है 13, मोड हो गया 13 इक्वल टू, और मीडियन हम जो भी आएगा, और हमको मीडियन निकालना ही है, और ये 2/3 माइनस 2/3, और मीन और मोड में क्या डिफरेंस दिया है 18, ये 3 × 6 = 18, ये 13 बराबर मीडियन माइनस 12, ये माइनस इधर इधर आया, तो मीडियन कितना हुआ 25। अब देखिए आप लोग स्टैटिक्स में इससे ज़्यादा कुछ मत पढ़िएगा, इससे ज़्यादा पढ़िएगा नहीं, हर प्रैक्टिस सेट में कुछ ना कुछ नया मिलेगा आपको, और केवल आप ये याद रखिएगा आपके एग्जाम में वो समांतर माध्य पूछता है, माध्य या समांतर माध्य, बहुलक और ये मध्यिका, माध्य या समांतर माध्य एक ही है। ठीक, इसी से क्वेश्चन आएगा, और ये तो मैं लिखवा दिया हूँ कि क्योंकि सबको ही प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है, किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन मिल जाता है, आप लोग पूछते रहते, इसलिए बता दिया। ठीक, इससे ज़्यादा स्टैटिक्स में कुछ नहीं है।